तो ये गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले गाइस एक न्यू चाइनीज मूवीज के बारे में जिसका नाम है गाइस बर्दस्त। और ये चाइनीज मूवीज देखने को मिलने वाला गाइस आपको अमेज़न म्यूजिक गाइस वो भी हिंदी डब के साथ में, जिसका आपको ड्यूरेशन रखा गाइस 1 घंटा 36 मिनट, जहाँ पर गाइस बहुत कम ड्यूरेशन गाइस, जहाँ पर गाइस इसका जो स्टोरी है बहुत कम समय आपको देख के खत्म करना होगा, जहाँ पर गाइस क्या आपको स्टोरी इसमें समझ में आएगा और क्या आप इसको 1 घंटा 36 मिनट दे सकते हो और इसमें क्या स्टोरी होने वाली है। चलिए गाइस इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो स्टोरी आपको देखने को मिलने वाले जहाँ पे दो जुड़वा भाई रहते हैं, जहाँ पे इन दोनों के माता पिता में हमेशा अक्सर झगड़ा होते रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों बचपन में ही अलग हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत छोटे रहते हैं। जहाँ पे एक का नाम रहता है गाइस गुनाह और एक का नाम रहता है गाइस एडवर्ड। जहाँ पे गाइस जो कि गुनाह रहता है एक बहुत एक साधारण जिंदगी अपना जीते रहता है, जहाँ पे गाइस इसके ज्यादा उतना पैसे नहीं रहते। जहाँ पे गाइस वही दूसरे जो कि एडवर्ड रहता है, जहाँ पे इसका दूसरा भाई रहता है वो बहुत ज्यादा अमीर रहता है और वो पैसे वाला। जहाँ पे गाइस एक बड़े बाप के घर वाले ने मतलब इसको अपना लिया था, जहाँ पे गाइस एडवर्ड बहुत ज्यादा अपना एक अमीर वाला जिंदगी जीते रहता है। वहीं पर गाइस जो गुनहार रहता है वो बहुत जलेब की जिंदगी जीते रहता है, जहाँ पर गाइस हर कोई इसको मारते रहता है, उसको पीटते रहता है और उसके बाद पैसे भी नहीं होते। तो इसे एक दिन वो मतलब कि एक आदमी से बोलता है उसको विदेश जाना है, जहाँ पर वो विदेश जाता है, जहाँ पर वहीं पर गाइस जो कि एडवर्ड के पीछे जो कि बहुत लोग लगे रहते हैं, जहाँ पर इस नहीं चाहते कि इसके पूरे मतलब इसको पूरा प्रॉपर्टी मिल पाए, जिसकी वजह से उसको किडनैप कराते हैं, जहाँ पर उसको मार भी देते हैं, जहाँ पर गाइस वो मतलब कि मारने के बाद उसको पानी फेंक देते हैं। जहाँ पर गाइस एडवर्ड को जिसने मारा रहता है वो मतलब कि गुनाह उसके हाथ में लग जाता है, जहाँ पर गुनाह जाता है उसको पकड़ लेता है, उसको एडवर्ड बना लेता है और उसको गद्दी बैठा देता है, जहाँ पर गाइस एडवर्ड बैठा रहता है उसको उधरी बैठा देता है और वो अपना जो मन चाह काम उससे करवाते रहता है। तो क्या गाइस एडवर्ड को मालूम ये पड़ेगा कि उसका एक जुड़वा भाई भी है और उसके जगह पे गद्दी बैठा है और हूबहू उसके जैसा एकदम सेम दिखते रहता है, जहाँ पर गाइस इन दोनों को एकदम सेम टू सेम दिखते रहता है। जहाँ पर गाइस इन दोनों की जो कि गर्लफ्रेंड रहती है, गर्लफ्रेंड जो कि लड़की लोग पसंद करते रहते हैं, इन दोनों सेम एक ही तरह दिखते हैं, जहाँ पर गाइस कोई भी डिफरेंट नहीं इन लोगों को बता सकता। तो इन दोनों को मालूम पड़ेगा कि हम दोनों एक ब्रदर है, तो इन लोगों का कैसा प्रभाव पड़ेगा और क्या इन लोगों की सच्चाई मालूम पड़ेगी कि हम लोगों के माता पिता कहाँ हैं और इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और क्या मतलब कि मालूम पड़ेगा कि तो क्या इन दोनों एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। तो यही सब आपको जानने के लिए ये आपको मतलब मूवीज देखना पड़ता है अमेज़न मिनटे बस 1 घंटा 36 मिनट, जहाँ पर क्या आपको ये मूवीज देखना चाहिए। तो ये आपको मूवीज का वन टाइम में देखना चाहिए, नहीं तो आप इस मूवीज को देख ही नहीं सकते। आप गए 1 घंटा 36 मिनट जहाँ पे एक बहुत शॉर्ट एक मूवीज देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा, जहाँ पर आप इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है बहुत अच्छा खासा रखा तो क्या है, लेकिन जैसे आप इसको इंटरेस्ट लेते हो ये मूवीज खत्म हो जाता है। अगर ये 2 घंटा ये 2.5 घंटे का मूवी होता है ये मूवीज बहुत अच्छा खासा लग सकता था, लेकिन 1 घंटा 36 मिनट तो भी आप टाइम पास के लिए देख सकते हो। तो ये था गाइस आज के लिए मेरा रिव्यू, होप यू गाइस आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। रिव्यू पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करके सब्सक्राइब। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे लेटेस्ट नामों का रिव्यू करते हुए।